स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज मीटिंग की गई है, व्यापक रूप से डीएम साहब के नेतृत्व में, जिसमें सभी स्कूल को सुझाव दिया गया है कि अपने अपने स्कूल में जो सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, खासकर जो बस ड्राइवर और कंडक्टर है, ड्राइवर और कंडक्टर अनिवार्य कर दिया गया है। उसके अलावा ट्रैफिक संबंधित जो स्कूल के आसपास क्रॉस हो जाता है और जमघट लग जाता है, जो सुझाव दिया गया है कि स्कूल के टाइमिंग थोड़े बहुत जो है स्टैगर किया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाए। बाइकर्स जो लगातार स्कूल में घूम रहे हैं और बाइक से अलाउ की जा रही है, जिन लोगों को लाइसेंस नहीं है, उसमें स्कूल वालों को उनके पेरेंट्स को मीटिंग करना चाहिए और चेक लगाना चाहिए अपने वाहन। स्कूल के बाहर आसपास सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए जिससे पुलिस को मदद हो सके और लगातार पुलिस के साथ उनका समन्वय बना रहे। एक सुझाव दिया गया है और बताया गया है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है नियुक्ति प्रत्येक स्कूल में कर दी जाए, इसकी ट्रेनिंग पुलिस द्वारा दी जाएगी। सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस के साथ यह नहीं बना के बैठेगा और उनकी मदद करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं तनाव में आकर स्कूल से भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, पढ़ाई का दबाव ज्यादा होता है, तो हमने उनको बोला है कि फेयर साइकोसिस की ट्रेनिंग उनको दी जाए ताकि बच्चे डरे, पुलिस के साथ भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाए, हमारे भी पदाधिकारी ताकि उनको डरता रहे। ये सब सुझाव दिए गए हैं, हम लोग लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको चाहेंगे कि और सुदृढ़ हो। सुबह के टाइम हमारा एक पेट्रोलिंग का चार्ट निकलता था, हमारे पुलिस पदाधिकारी फोर्स थाना डीएसपी सिटी एसपी और मैं खुद सब निकलकर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये जो स्कूल की गाड़ी है उसमें कुछ पुलिस फोर्स की विवाद निश्चित रूप से ऑटो पे हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगाया, उसका बहुत असर पड़ा कराई के काफी किसी भी चेक में कुछ बच्चों को स्कूल की गाड़ी से रिक्शा से ऑटो से भेजा जाता है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो पुलिस की गाड़ियां उस पर भी पुलिस फोर्स दिया जाए ताकि उस पुलिस फोर्स से गाड़ी की पहचान हो सके इमीडिएटली और उसके ड्राइवर और खलासी और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं।